में आप अगर आप देख पा रहे हो तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इसमें इन्होंने कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज के बारे में बताया हुआ है, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस चैप्टर्स में कवर किया हुआ है। उसमें एक्सेस दिए हुए हैं फर्स्ट वन, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, और हमें पूछा गया है कि इनमें जो ऑर्डर दिया हुआ है कार्बोनिल फ्रिक्वेंसीज का वो किस तरह से फॉलो होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखते हो यहाँ पे, तो फर्स्ट जो कंपाउंड है दैट इज द निकिल कार्बोनिल कंपाउंड, सेकंड निकिल कार्बोनिल है बट इसमें फॉस्फोस ट्राइमिथाइल मतलब फॉस्फीन लगी हुई है, और साथ में जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसमें अगर आप देख रहे हो तो उसमें कार्बोनिल कंपाउंड लगा हुआ है बट फॉस्फीन ट्राइमिथाइल साथ में लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इनको ध्यान से देखते हो इन कंपाउंड्स को, तो इसमें एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ था, उसमें दो लगे हुए हैं। तो आपको पता है मिथाइल ग्रुप्स क्या करते हैं, मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से ही क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर देंगे ऑन निकिल। तो सेंट्रल मेटल एटम पे अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो मेटल कार्बोनिल का जो फ्रिक्वेंसी ऑर्डर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ था, फॉस्फोस मिथाइल नहीं लगा हुआ था, यहाँ पे फॉस्फीन एक ग्रुप लगा हुआ था, यहाँ पे दो लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन ग्रुप्स की अटैचमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होने की वजह से निकिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ही निकिल के ऊपर बढ़ रही है तो कार्बोनिल की फ्रिक्वेंसी कम हो रही है। ठीक है, तो इसलिए जो फर्स्ट होगा उसकी में कार्बन की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी, देन सेकेंड आएगा, और देन थर्ड जो होगा उसकी सबसे कम जो कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी वो रहने वाली है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, सेकेंड क्वेश्चन है सॉलिड, यहाँ पे कोबाल्ट का एक कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें इन्होंने स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी की इसकी में डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं, और ये बता रहे हैं कि अगर इसको हम हेक्सेन में डिजोल्व करते हैं इस कंपाउंड को, तो इसकी दो जो फ्रिक्वेंसीज होंगी वो डिसअपियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हो सकता है ये डिसअपियरेंस, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी है। तो डी मतलब इसमें जैसे बताया हुआ स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑफ द इस दिस कंपाउंड जो कोबाल्ट का कार्बोनिल कंपाउंड है, इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ द ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स टू टर्मिनल। तो जैसे इसको हमने हेक्सेन में डाला तो इसके जो ब्रिजिंग कार्बोनिल ग्रुप्स थे, ब्रिजिंग की वजह से ये दो फ्रिक्वेंसीज आ रही थी जो भी मैं प्रीवियस चैप्टर में कवर कर चुका हूँ, इनकी ब्रिजिंग की वजह से दो जो कार्बोनिल फ्रिक्वेंसीज आ रही थी 1800 के आसपास जो रहती हैं वो किस में कन्वर्ट होगी, टर्मिनल में। तो ऑब्वियसली ये दोनों बैंड यहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसपियर हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, डी। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन द इंफ्रारेड स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप फ्रॉम पी टू एस फॉलोज द ऑर्डर। अभी हमें हमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे तीन चार कंपाउंड दिए हुए हैं, सॉरी एक दो तीन और चार, चार कंपाउंड दिए हुए हैं, चारों कंपाउंड्स में हमने बताना है कि इनका ऑर्डर क्या रहने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। अगर आप देख रहे हो आर आर की सबसे ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसमें जो बी एच थ्री लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, वो कार्बोनिल ग्रुप से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, और इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है इट मींस कि आपकी जो कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी, इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट फ्री कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी आएगी क्योंकि इसमें के साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ है वो आ गया। उसके बाद अगर आप देख रहे हो मैगनीज वाला पी वाला, तो ये आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली इसमें मेटल जो है सेंटर मेटल एटम है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऑब्वियसली कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी ज्यादा होगी। और बाद में सबसे एंड में जिसकी सबसे कम रहने वाली है वो आएगा आपका वेनेडियम हेक्सा कार्बोनाइल ग्रुप, तो इसमें आप देख रहे हो तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं वेनेडियम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ऑब्वियसली इसकी जो कार्बन फ्रिक्वेंसी रहेगी वो बहुत कम रहने वाली है। नेक्स्ट अगर फोर्थ देखें, फोर्थ क्वेश्चन की, इन दिस कॉम्प्लेक्स ये निकिल का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, इसमें आयर स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अपियर्स एट 1857 स्ट्रॉन्ग एंड 1897 वीक, द इलेक्ट्रॉन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट एंड द नेचर ऑफ द मेटल कार्बोनिल बॉन्ड रिस्पेक्टिव आर। तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि मेटल कार्बोनिल जो है वो ब्रिजिंग है और आइदर टर्मिनल है। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो सी आंसर रहेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें और जो मेटल कार्बोनिल ग्रुप होंगे वो टर्मिनल प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे एक दो तीन और चार कंपाउंड दिए हुए हैं, चारों कंपाउंड्स में आपने डिफरेंस यही देखना है, इसमें हमें टर्शरी अमीन लगाई हुई है एज ए लिगेंड्स, यहाँ पे ऑक्सी फिनाइल ग्रुप लगाया हुआ है इन्होंने एज ए लिगेंड्स, यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइमिथाइल ग्रुप मतलब फॉस्फीन एज ए लिगेंड लगाया हुआ है, यहाँ पे फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एज ए लिगेंड लगाया हुआ है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि ऐसा कोई भी ग्रुप अगर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है सेंटर मेटल एटम के ऊपर, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रोइंग ग्रुप लगा हुआ है, अल्टीमेटली वो क्या कर देता है, स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देता है। सॉरी, तो इसमें अगर फिफ्थ का देखें हम, तो इसमें हमारे पास
सी जो होगा वो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगे हुए हैं, क्लोरीन ऑब्वियसली मोलिब्डेनम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देंगे जिसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। देन उसके बाद ऑक्सी फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। उसके बाद ये आ जाएगा फॉस्फिन ग्रुप आ जाएगा, देन आफ्टर दैट आपका टर्शरी अमीन ग्रुप आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ठीक है, इस तरह से इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, अगर आप क्वेश्चन नंबर सिक्स देख रहे हैं तो इन्होंने यहाँ पे प्लेटिनम का एक कंपाउंड बनाया हुआ जहाँ पे ये एल एक डिजिनेट कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि इसमें कार्बोनिल की स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी फॉर एल, अगर ए अमोनिया लेते हैं, पिरिडिन लेते हैं और टर्शरी अमीन लेते हैं तो किस ऑर्डर में डिक्रीज करेगी। तो ये पिरिडिन के लिए जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी रहेगी पिरिडिन के लिए सबसे ज़्यादा होगी, देन अमोनिया की होगी, देन टर्शरी अमीन की होगी। ठीक है, तो इसका रीज़न यही है कि जो टर्शरी अमीन ग्रुप होता है उसमें जो लोन पेयर होता है वो इजिली डोनेबल होता है। अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है, मेटल के ऊपर प्लेटिनम के और ऊपर चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है और कार्बन फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज कर रहा है, तो पिरिडिन में ऐसा नहीं होने वाला। तो पिरिडिन आएगा, देन अमोनिया आएगा, देन आपका टर्शरी अमीन आएगा। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एक आयरन का कॉम्प्लेक्स बताया हुआ, उसमें इन्होंने बताया हुआ है हमें कि यहाँ पे दो सिग्नल्स आ रहे हैं, 2.5 ppm पे और एक 5 ppm पे दो सिग्नल आ रहे हैं HNMR पे, प्रोटोन NMR में। तो अगर आयरन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज इसकी हमारे यहाँ पे दो बैंड दे रही है 1680 cm इनवर्स पे, तो कंपाउंड 18 इलेक्ट्रॉन को रूल को फॉलो करता है, तो स्टेटमेंट ए द करेक्ट वन इज। तो हमें यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स, इसके रिगार्डिंग हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें प्रिडिक्ट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट्स इसके लिए राइट रहेंगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा दैट इज आंसर ए आएगा। तो ए मीन्स कि ये इट हैज़ एक साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग ग्रुप लगा हुआ है, साइक्लोपेंटाडाइनाइल ग्रुप लगा हुआ है। और सेकेंड चीज़ जो है इसमें, इट हैज़ ए टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स, तो इसके पास टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड्स है तभी इस पर ऑब्जर्व कर रहा है, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल लगी हुई है तो इसलिए ये सिग्नल्स आपके पास दो सिग्नल्स आ रहे हैं इसमें ppm पे, एक 2.5 पे और एक 5 ppm पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज ए एंड बी ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट्थ, अगर क्वेश्चन नंबर एट्थ की बात करते हैं तो यहाँ पे रेडियम का एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है जिसमें दो डिफरेंट लिगेंड्स चेंज किए हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो इसमें इन्होंने क्लोरीन एक लगाया हुआ है, उसमें क्लोरीन की एडिशन की, हमारे पास ट्रांस रेडियम का कॉम्प्लेक्स बना जिसमें जो क्लोरीन थी वो ऐड हो चुकी है, तो यहाँ पे IRCl3 था, यहाँ पे IRCl ओनली 1 Cl है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो ऑब्वियसली अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें तो किसमें स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी और किसमें ज़्यादा होगी, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे तीन क्लोरीन ग्रुप लग चुके हैं। अल्टीमेटली तीनों ग्रुप क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेंगे, रेडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और अल्टीमेटली CO कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। तो इट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन ए होगा दैट इज राइट वन, प्रोडक्ट की जो कार्बोनिल फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन्थ की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में हमें कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसीज बतानी है, हमें दो कंपाउंड दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स को ध्यान से देख रहे हो तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है फॉस्फोरस ऑक्सी मिथाइल और यहाँ पे हमें दिया हुआ है फॉस्फीन फॉस्फोरस ट्राई मिथाइल। ठीक है, तो अगर इसमें आप देखते हो तो कौन ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी शो करेगा, तो ऑब्वियसली ऑक्सी मिथाइल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू फॉस्फोरस ट्राई मिथाइल ग्रुप। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो कंपाउंड ए होगा दैट इज उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू बी। तो सिंपल से बेसिक्स हैं, अगर आपने प्रीवियस लेसन देखे होंगे, प्रीवियस कोर्स देखा होगा, तो उसमें आपको प्रिडिक्ट हो जाएगा कि कैसे आपने इसको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ की बात करते हैं, तो टेंथ नंबर क्वेश्चन है, इसमें कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी किस तरह से बिहेव करेगी अगर आप फॉस्फिन को चेंज करते हो। तो इन्होंने पहले क्या किया हुआ है, फॉस्फिन ली हुई है, एक फॉस्फोस ट्राईक्लोराइड ली हुई है, फॉस्फिस ट्राईक्लोराइड ली हुई है, फॉस्फोस फॉस्फीन क्लोराइड लिया हुआ है और साथ में फॉस्फोस ट्राइमिथाइल लिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने चार फॉस्फीन्स को चेंज किया हुआ है फॉस्फाइड्स ग्रुप्स को, तो फिर उसकी फ्रिक्वेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये भी मैंने बताया था कि किस पे, तो यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज़्यादा होती है इसलिए आपकी स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी अल्टीमेटली बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन की आती है, ये आ गया, उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग गया हुआ है तो और कम होगी, यहाँ पे अगर आप मिथाइल ग्रुप लग चुका है तो और कम होगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर टेंथ का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर सॉरी आंसर नंबर ए आएगा, ए इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि
क्योंकि अगर फ्लोरीन की बात देखें तो फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा मोलिब्डेनम को और कार्बन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस मीन्स कि ए के साथ फर्स्ट मैच हो रहा था, देन ये देन देन, ठीक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। तो ये थे कुछ एमसीक्यू जो रिलेटेड थे मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस से रिलेटेड, जो कि